जिन नौजवानों के हाथों को रोजगार होना चाहिए था, कांग्रेस की सरकारों ने इनके हाथों में तमंचे पकड़वा दिए। और बहनों और भाइयों, उन्हें समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा से हटाने का कुत्सित प्रयास भी कांग्रेस ने किया। कांग्रेस युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती है, समाज को आपस में बांटने का कार्य करती है, और जब ये लोग कुछ नहीं कर पाते तो मोदी जी को गाली देने लगते हैं। आखिर मोदी जी के लिए तो पूरा देश ही उनका परिवार है, 140 करोड़ लोग उनका परिवार है। मोदी जी तो पूरे समर्पित भाव के साथ 140 करोड़ लोगों की सेवा करने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं, और इसीलिए तो पूरे देश के अंदर एक आवाज गूंज रही है, एक आवाज है देश के अंदर। पहले चरण का मतदान हो गया है, 102 लोकसभा सीटों पर जो चुनाव हुए हैं, बहनों और भाइयों, 102 लोकसभा सीट पर एक ही आवाज है, और वो आवाज है फिर एक बार, और अब की बार 400 पार के लिए कोरबा लोकसभा सीट पर भी कमल छाप को जीत करके जाना है। बहनों और भाइयों, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने एक तेज तर्रार सुशिक्षित राष्ट्रीय नेता को कोरबा में अपना भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बना करके जनता की सेवा के लिए आपके बीच में उतारा है। विकास हो, गरीबों का कल्याण हो, दिल्ली और रायपुर से जो पैसा आए वह विकास के लिए लगे, गरीब के लिए जाए, किसानों के लिए जाए, महिलाओं के उत्थान में लगे, और साथ साथ योजनाओं का लाभ यहां पर बिना भेदभाव के सभी लोगों को प्राप्त हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने सुश्री सरोज पांडे जी को आपका प्रत्याशी बना करके, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बना करके आपके बीच में उतारा है। और इसीलिए मैं आपसे अपील करने के लिए उत्तर प्रदेश से आया हूं, अयोध्या की धरती से मैं स्वयं आया हूं आपके बीच में, लखनऊ में भी, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव चल रहे हैं, 80 लोकसभा सीट है, पहले चरण में 8 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं, दूसरे चरण में होने जा रहे हैं अभी 26 को 8 सीटों पर, और तीसरे चरण में 10 सीटों पर फिर चुनाव होने हैं, लेकिन फिर भी हमने कहा नहीं, कोरबा तो जरूर जाएंगे एक बार। और बहनों और भाइयों, इसीलिए कोरबा आए हैं, प्रभु राम की धरती का संदेश लेकर के आए हैं, और ननिहाल के लोगों को बताने के लिए आए हैं कि अब अयोध्या में रामलला आ गए हैं, निश्चिंत रहिए, राम राज्य की स्थापना मोदी जी के नेतृत्व में होने जा रहा है। इसके लिए आत्मनिर्भर भारत चाहिए, इसके लिए विकसित भारत चाहिए, और विकसित भारत के लिए मोदी जी फिर से चाहिए, और मोदी जी के लिए आवश्यक है कि कोरबा लोकसभा सीट में भी कमल छाप की प्रत्याशी के रूप में सुश्री सरोज पांडे जी भारी बहुमत से विजयी बनकर के जाए। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? लेकिन बहनों और भाइयों, आपको एक काम करना पड़ेगा, इसके लिए मोदी जी का प्रतिनिधि बनकर के और सरोज पांडे जी का प्रतिनिधि बनकर के घर घर जाना होगा, एक एक वोट को मतदान केंद्र पर ले जाना होगा। जब 7 मई को चुनाव होंगे तो इस कार्य को करना होगा। सहमत हैं? सहमत हैं? जाएंगे, भाजपा को जिताएंगे, कमल खिलाएंगे। बहनों और भाइयों, अगर आप सहमत हैं तो भारत को दुनिया की कोई ताकत अब रोक नहीं पाएगी, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। और इसलिए मेरे साथ आप बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय जय श्री राम।